हेलो गाइस, दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट विंग्स। आज की स्टूडियो में हम फिर से एक और नया अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके नेशनल स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, जो कि है यहां पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2022-2023। मीन्स जिन लोगों ने रिसेंटली अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में आ रहे और वो वहां पर अपने स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे, और फाइनली जिनका यहां पर एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेंज हुआ था, जो आपका करंट एप्लीकेशन स्टेटस वो यहां पर आ रहा है एप्लीकेशन सेंड टू पे फीस फॉर पेमेंट। सो आज की स्टूडियो में यहां पर आपको इसके रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि यहां पर आज मिनिस्ट्री ने सारे फाइल्स को यहां पर सैंक्शन कर दिया है, जिसकी वजह से यहां पर मैं आपको अब एक्यूरेट पेमेंट डेट बोलने वाला हूं, कब तक यहां पर आपका स्कॉलरशिप आने वाला है और किस तरीके से वो यहां पर आप चेकआउट करोगे कि आपका पेमेंट वहां पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वहां पर आपका पेमेंट शो नहीं हो रहा है तो मे बी यहां पर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम होगी। जितने भी यहां पर आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स यहां पर वन बाय वन क्लियर करने वाला हूं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आ जाएगी। सॉरी, क्योंकि मैं यहां पर अपना स्टूडियो बना रहा था, जिसकी वजह से यहां पर लास्ट 15 डेज से मैंने कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया, उसके लिए सॉरी। इसीलिए मैंने कोई भी अपडेट आपको नहीं दिया, लेकिन आज के जो अपडेट वो बहुत ही अच्छा अपडेट है। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर अपने स्कॉलरशिप का वेट कर रहे थे, फाइनली यहां पर आपका वेट बाई ओवर हो गया। अब यहां पर आपका मनी डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आपकी जो एप्लीकेशन के स्टेटस, जितने भी रिन्यूअल एप्लीकेशंस हैं फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-2023, मीन जिन लोगों ने अपना बायोमेट्रिक्स कंप्लीट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं, किसी भी फ्रेश एप्लीकेशन का जो यहां पर 2023 से आप लोगों ने सबमिट किया था, किसी भी फ्रेश एप्लीकेशन का भी स्टेटस चेंज नहीं हुआ। आपका जो करंट एप्लीकेशन दिखा रहा है, एप्लीकेशन फाइनली वेरिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ये खाली रिन्यूअल एप्लीकेशन है, उन्हीं एप्लीकेशन का अभी यहां पर चेंज हुआ है। जो फ्रेश एप्लीकेशन उनके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको उसके लिए भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे यहां पर आप स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस पे आओगे, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो लाया था जहां पर आपको दिखा रहा था कि आपकी फाइल यहां पर डिजिटली साइन नहीं हुई है मिनिस्ट्री ओर से या डिपार्टमेंट की ओर से, जिसकी वजह से यहां पर आपकी फाइल पीएफएमएस को सेंड नहीं की गई थी। लेकिन अगर आप आज की डेट में यहां पर अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेकआउट करोगे, स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस, तो आपका जो स्टेटस वो कुछ इस तरीके से आएगा, पेमेंट फाइल मेड अवेलेबल टू पीएफएमएस फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन बाय द स्कीम ओनर आर डिपार्टमेंट। जो यहां पर मिनिस्ट्री ने आपकी एप्लीकेशन को यहां पर अप्रूव किया है और आपकी सैंक्शन को यहां पर पीएफएमएस को सेंड कर दिया गया है, अब यहां पर आप किस तरीके से चेकआउट करोगे कि पीएफएमएस पे आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है, आपका स्कॉलरशिप यहां पर वैलिड है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस आईडी को कॉपी करने वाले हैं, सिंपली मैं इस आईडी को कॉपी करने वाला हूं। कॉपी करने के बाद हम पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने वाले हैं, जो कि है पीएफएमएस। जैसे आप अपने गूगल में सर्च करोगे, सिंपली यहां पर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। जो फर्स्ट वेबसाइट यहां पर आपको आएगी, इस पे यहां पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपको खाली इसी ऑप्शन पे जाना है, जो कि है ट्रैक एनएसपी पेमेंट्स। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको यहां पर अपनी आईडी याद नहीं है, यहां पर आपको अपने बैंक का नाम देना होगा। नेक्स्ट यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा, फिर यहां पर आपको कैप्चे देना होगा और यहां पर आप सर्च कर सकते हो। लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आईडी अवेलेबल है, सिंपली हम इस एप्लीकेशन आईडी को यहां पर इंसर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पर जो हमारे पास कैप्चे है, इसको हम एंटर करने वाले हैं। कैप्चे को एंटर करने के बाद यहां पर आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, अगर आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ रहा है, मीनस यहां पर जो आपका ब्लैंक दिखा रहा है और यहां पर एक ऑप्शन आपको आ रहा होगा स्टेटस में पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यहां पर जो आपका पेमेंट वो यहां पर 101% अब आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहां पर आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अमाउंट भी यहां पर शो हो रहा है, अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपके सामने कुछ ऐसा दिखा रहा है पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, तो मीनस इसका ऑप्शन क्या है। दोस्तों, ऑलरेडी यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे, जैसे यहां पर आप अपनी एनएसपी एप्लीकेशन में लॉग इन कर रहे हो, तो यहां पर आप देखना जो आपका एप्लीकेशन दिखा रहा है वो यहां पर दिखा रहा है पेमेंट फाइल मेड अवेलेबल टू पीएफएमएस फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन बाय द स्कीम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। मीनस यहां पर जो आपकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट बोल सकते हो, उन लोगों ने यहां पर आपकी एप्लीकेशन को सैंक्शन किया है, लेकिन अब जो यहां पर पीएफएमएस अभी उसको कंफर्मेशन नहीं मिली है। दोस्तों, आप इस तरीके से इस बात को समझना, जैसे यहां पर आपका स्कॉलरशिप वो यहां पर एनएसपी खुद नहीं डालते, पीएफएमएस गवर्नमेंट एजेंसी है, इसमें यहां पर आपके स्कॉलरशिप को डिसबर्स करने का काम होता है। एनएसपी ने यहां पर पीएफएमएस को आपका स्कॉलरशिप सेंड किया है, लेकिन जो यहां पर पीएफएमएस उन लोगों ने यहां पर स्टेटस अपडेट किया है, लेकिन यहां पर जो स्टेटस बताया गया है, यहां पर बताया गया है पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, मीनस यहां पर जो आपकी सैंक्शन होती है, जो यहां पर आपका एक चेक होता है, अमाउंट जो होता है आपके स्कॉलरशिप का, अभी यहां पर इनको ये अपडेट नहीं मिला है। जो यहां पर पीएफएमएस है उनको अपडेट नहीं मिला है कि आपको किस डेट तक ये स्कॉलरशिप यहां पर रिलीज करना है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जितनी
मेरी इसके साथ एक्सपीरियंस है, मैं यहां पर आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं विद इन 10 डेज, विद इन वर्किंग 10 डेज में आपका स्कॉलरशिप डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। तो उस टाइम मुझे नहीं बोलना है कि सर हमारा पेमेंट स्टेटस यहां पर फेल हो गया। सो मेक श्योर यहां पर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ सील होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पर आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। दोस्तों ये था आज का अपडेट। आप यहां पर आपको खाली 10 डेज वेट करना होगा, वर्किंग 10 डेज, जो हॉलीडेज होते हैं वो यहां पर आप कंसिडर नहीं करें। वर्किंग 10 डेज में यहां पर आपका स्कॉलरशिप 101% आ जाएगा, अगर यहां पर आपका स्टेटस कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले जो यहां पर फ्रेश एप्लीकेशन है, जब यहां पर आपकी एप्लीकेशन का स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाएगा, मीन जितने भी रिन्यूअल एप्लीकेशन है उन सारे रिन्यूअल एप्लीकेशन का स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर फ्रेश एप्लीकेशन का भी मेरिट लिस्ट बनने वाला है। क्योंकि अभी फ्रेश एप्लीकेशन का मेरिट लिस्ट नहीं बना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से वो हम चेकआउट करेंगे क्या आपका मेरिट लिस्ट बना है या नहीं बना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।